अरे मामा, अपनी चंद्रलेखा हैदराबाद जा रही है। हैदराबाद किस लिए? शायद हीरोइन बनने। हीरोइन नहीं, आइटम गर्ल। क्या आइटम सॉन्ग करोगी? तुम्हें क्या लगता है आइटम सॉन्ग करने के लिए बहुत दम चाहिए, उसके लिए बहुत छोटे कपड़े पहनने होते हैं, या तो कह लो एक्सपोज करना पड़ता है। इस तरह के कपड़ों से बात नहीं बनती वहाँ। वैसे भी आइटम सॉन्ग्स के लिए चांस बड़ी मुश्किल से मिलता है, समझ गई? बड़ी बड़ी फिल्मों में एक आइटम सॉन्ग की जरूरत तो पड़ती ही है। हीरोइन चाहे जैसी भी हो, आइटम सॉन्ग के लिए आइटम गर्ल ही चाहिए, जैसे मलाइका अरोरा खान और राखी सावंत और ऐसी बहुत सारी। अब तुम देखना, ये मेरा खेल है। Yeah।
आंखों में जब ये गाना बजेगा ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा लुंगी को उठाना पड़ेगा स्टेप करके दिखाना पड़ेगा कोई दरवाजा खोलो प्लीज प्लीज उस समय अहिल्या जंगल में अकेली घूम रही थी और उसी वक्त इंद्र की उस पर नजर पड़ी। अगर ये गैंगरेप है तो इंद्र अकेला कैसे रह सकता है? तो इंद्र के साथ सूर्य और चंद्र भी दिखते तो बात बन जाती। वाह क्या बात है, ऐसा आइडिया तो हम जैसे कमीनों को ही आता है। शाबाश शाबाश। अहिल्या आ? अहिल्या की जगह मैंने ये हत्या क्यों लिखा? अहिल्या ये क्या? अहिल्या चुप रहे यार। Thank you.
ये संजय क्यों फोन कर रहा है? ये कमलनाथ क्यों फोन कर रहा है? ये मुकुंदराव फोन क्यों कर रहा है? हेलो 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 संजय, हेलो 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 मुकुंदराव जी, संजय हेलो क्या हुआ, आवाज क्यों नहीं आ रही? ठीक है, मिले बहुत दिन हुए, कुछ करते हैं। Cheers. हम तीनों मिलकर कमाल कर देंगे। अपने कॉम्बिनेशन के साथ नेक्स्ट फिल्म अनाउंस करने की सोच रहा हूँ, तू क्या बोलता है संजय? या दो हीरोइन, उनके बीच अपना संजय, शूटिंग इन बैंकॉक, आ सुपर एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट। मगर हम तो तीन हैं और हीरोइन बस दो। अरे अगर एंजॉयमेंट ही करना है तो करोड़ों रुपए लगाकर फिल्म बनाने की क्या जरूरत? और वैसे भी मुझे एक्टिंग का कोई शौक नहीं है। क्या हुआ संजय, बार बार एक ही गलती दोहरानी नहीं चाहिए? मैं तो हरगिज नहीं करूंगा। उस हीरो की नई फिल्म शुरू हो रही है, आज के अखबार में देख लो। भूत प्रेत मानती हो क्या? जब मैं जिंदा थी तब नहीं मानती थी। अरे मजाक किया, डर गई। आज का न्यूज़पेपर देखा क्या? न्यूज़पेपर? यस। इस प्रोड्यूसर का मुझे नंबर चाहिए। इसका? तू जानती है इसको? मेरी फ्रेंड जानती है। मुझे नंबर चाहिए इसका। ओके, नंबर अरेंज कर दूंगी, पर इस फिल्म में काम मिलना तो बहुत मुश्किल है। चुप कर तू, आई वॉन्ट हिज नंबर। ये ले प्रोड्यूसर का नंबर। थैंक्स। इसमें मेरा क्या फायदा? सर मुकुंदराव जी। कौन बोल रही है? मेरा नाम चंद्रलेखा है। बोलिए। आपकी नई फिल्म में चांस चाहिए। इससे पहले कुछ किया है कभी? नो सर। ओके, मैं ईमेल आईडी भेजता हूँ, उस पर फोटो भेज दो, मैं देखकर कॉल करूँगा। ओके, थैंक यू सर। फायदा क्या होगा? Thank you.
इस तरह के कपड़ों से बात नहीं बनती वहां। सर इसको बुलाइए, फोन करके बुलाइए ना। पहले स्टोरी तो कंप्लीट करो, फोन तो कर ही दूंगा। मैं कर दूंगा, आप फोन करके बुलाइए तो सही, बुलाइए। ओके चलिए। ये देखो उस प्रोड्यूसर का कॉल आ गया। हेलो। हेलो, तुम्हारी फोटो देखी बहुत अच्छी है। तुम एक काम करो, कल एक बार ऑफिस आ जाओ। यस सर। सोच रहा हूँ तुम्हें एक मौका दूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर, ओके ओके। वो सर मुझे मौका दे रहे हैं, कल उनसे जाकर मिलूंगी। ओह कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। चंद्रलेखा। यस सर। आओ बैठो। कुछ पियोगी? नहीं कुछ नहीं सर। एक्टिंग के लिए भी तुम चार्ज नहीं करती हो क्या? कोई दिक्कत नहीं, बोलो क्या चाहिए, मैं देता हूं। इसमें मेरा क्या फायदा? नहीं समझी क्या? मैं तुम्हें टॉप की हीरोइन बना दूंगा। कार, पैसा, दौलत, सब कुछ दूंगा। क्या मेरा साथ दोगी? बोलो क्या बोलती हो? सॉरी, मुझे आपका ये ऑफर मंजूर नहीं। हाँ संजय, तुम कब आए? जब तेरा असली कैरेक्टर बाहर आ रहा था। चल चल, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लास्ट चांस है, अगर फिर ऐसा हुआ देन आई विल बी गो आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। उस लड़की को मौका मिलना चाहिए। मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। हेलो कौन? मैं हूं संजय, फिल्म का हीरो। प्रोड्यूसर की तरफ से मैं माफी मांगता हूं, आपका कैरेक्टर मैंने कंफर्म कर दिया है। यस। कल से तुम डांस प्रैक्टिस पे आ जाना, ओके ना? ओके सर। बाय। ओके बाय। उस फिल्म के हीरो का कॉल आया था, डांस प्रैक्टिस के लिए बुलाया है। जा जा, मुझे पता है फिर ऐसा ही कुछ होगा।
डांस तो आता है ना? जरा करके दिखाओ, मैं देखना okay. चाहता हूँ। Once again. Stop it! ये क्या कर रही हो? तुम इधर करने क्या आई हो? डांस करने के लिए डेडिकेशन होना चाहिए, तुम में वो डेडिकेशन नहीं है। यू आर अनफिट फॉर डांस। जाने दे, क्या करें, टाइम ही खराब है। गलती मेरी ही है, कल घर जाकर उनको सॉरी बोल दूंगी। ऐसे ही हिम्मत से काम ले, वेरी गुड। सर, सर, संजय सर, संजय सर, संजय सर, संजय सर, संजय सर, सर, लगता है इन्हें बुखार आया है। ओके, म्यूजिक
क्या बात है, संजय सर का इस वक्त फोन। हेलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ, बस 5 मिनट में मुझे मिलना, जल्दी। ओके सर, 5 मिनट्स, आई विल बी देयर, बाय। इतनी रात को मिलने जा रही है, मैटर कुछ और ही लगता है। मुझे क्या करना है? हाय। हाय। इस वक्त बुलाया? क्लोज योर आईज। व्हाई? आंखें बंद करो, क्लोज योर आईज। ओपन योर आईज। ये किस लिए? हैप्पी बर्थडे टू यू। ओह माय गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आई फॉरगेट माय बर्थडे। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ चंद्रलेखा, गुड मॉर्निंग। मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई है, मैं गांव जा रही हूँ। क्या, लेकिन कैसे? छोटा सा हार्ट अटैक। कुछ पैसे चाहिए तुम्हें? नहीं। ओके, अगर कोई जरूरत हो तो मुझे फोन करना। ओके बाय। ओके बाय।
हेलो हेलो चंद्रलेखा, तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम जब से गांव गई हो मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। ऐसा लगता है I love you. Really? I love you, चंद्रलेखा। अगर तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कुछ हो तो बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ यस का एक मैसेज भेज देना। और यदि न हो तो बस तुम नो का मैसेज भेज देना। आई विल वेट फॉर योर मैसेज। Y-E-S. Yes. Yeah! Woohoo! Yay! Yes! सो मैंने सोचा जो बात पर्सनल है उसे पर्सनली ही करनी चाहिए। तो उस दिन आपने जो मुझे ऑफर दिया था मैं चली गई थी, पर आज मुझे मंजूर है। मैं तो 2 हफ्ते से इंतजार कर रहा हूं, और कितना वेट करवाओगी? मैं देख रही हूँ बड़ी जल्दी में हो, लगे रहो। मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाऊं? क्या हुआ? अब तो तुम्हारी आंखें हट ही नहीं रही।
हेलो हेलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एक्चुअली ये गुड मॉर्निंग नहीं है क्या हुआ सर अपने मुकुंद राव जी को किसी ने मार दिया है क्या मैं भी आऊं क्या तुम्हें बस इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने कॉल किया था मुझे तो वापस आने में और दिन लगेंगे अब तुम्हारी माँ कैसी है दवाई चल रही है पहले से काफी ठीक है ओके बाय बाय क्या हुआ यहाँ रहकर भी बोल रही है गांव में हूँ हो पहचानो कौन चंद्रलेखा पहचान लिया तो और क्या 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 I love you. प्लीज छोड़ो ना संजय सर जब तक तुम सिर्फ संजय नहीं बोलोगी ना तब तक नहीं छोड़ूंगा ओए संजय चलो छोड़ो मनसु पलके
हेलो हेलो संजय, कहाँ पर हो? मैं तो घर पे हूँ। ओके, मैं 5 मिनट में आता हूँ। 5 मिनट में आ रहे हो? ओके। कौन था? डायरेक्टर कमलनाथ। वो आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं। तो मैं जाती हूँ। कोई बात नहीं, तुम ठहर जाओ। नहीं प्लीज, मुझे जाना चाहिए। ओके। हेलो हेलो कमलनाथ। हेलो संजय, इतनी देर हो गई, तुम अभी तक आए नहीं। मैंने कब कहा? अभी तो फोन किया था ना। मैंने कब फोन किया? नहीं कुछ नहीं। कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना। ओके। अपने प्रोड्यूसर मुकुंद राव जी का इतनी बुरी तरह से कत्ल किया। हाँ वाकई ये बहुत बुरा हुआ।
वीडियो देखा? हाँ देखा। उन लोगों ने मेरी बहन को मार दिया, तुझे पता है ना? मेरी बहन भैरवगढ़ कैंप में गई थी। उसके बाद उसका कोई पता नहीं, वो कहाँ है? उसे ढूंढते ढूंढते मैं भी भैरवगढ़ गई थी। लहरी, लहरी, मेरे नजदीक मत आओ। दीदी, मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया इसलिए तुम परेशान हो गई। मैं बताओ, मैंने कॉल क्यों नहीं किया? मैं वहां पर चलकर आ जाऊंगा, तुम लोग निकल जाना। ओके,
सर, वो लड़की कौन है? विलेज डेवलपमेंट सोसाइटी मेंबर। और उस लड़की का नाम क्या है? लहरी। लहरी? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? कोई क्रिकेटर हो क्या, या कोई पॉलिटिशियन, या फिर कोई बहुत बड़ा हीरो जो मैं तुम्हें पहचानूं? अच्छा, तुम तो वो हीरो संजय हो ना? हाँ, तो मैं क्या करूं? I love you. ये मैं क्या बोल गया? क्या संजय, आजकल बहुत बिजी रहते हो? स्टार कभी खाली बैठ सकता है क्या? किसी नई चिड़िया को फंसाने में लगा होगा। चिड़िया? कौन सी चिड़िया? लहरी कर खूबसूरत है क्या? खूबसूरत मतलब कुछ खास नहीं। मेरे मुंह में पानी आ गया। जा जल्दी उसको फंसा कर ले। क्या, इफ यू डोंट माइंड, उसके लिए मेरी फीलिंग्स कुछ अलग हैं। प्लीज लहरी,
मैं तुम्हारे लिए पागल हो चुका हूँ। मैं पागलों के मुंह नहीं लगती। कहाँ तक पहुंची तुम्हारी स्टोरी? प्रपोज तो किया था लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिला। मेरी स्टोरी भी एक लाइन पर अटकी है और तेरी स्टोरी भी एक कदम पर अटकी है। आज तो फैसला हो जाएगा। गुड गुड वेरी गुड। I love you. इससे पहले मैं अकेली जिंदगी गुजार रही थी, पर तुमसे मिलकर मैं जिंदगी जीने लगी हूं। साथी रे तुझ बिन नींद।
उस समय मुझे पता नहीं चला कि मैं इतनी बड़ी गलती कर रही हूं। कितनी बार फोन किया, पता नहीं क्यों नहीं उठाता। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, इसलिए मैं पुलिस की मदद मांग रही हूं। मैं अंदर जाकर पता करता हूं। मार डालूंगा उसे। आज तक मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं हुई, कोई कंप्लेंट नहीं हुई। फर्स्ट टाइम मुझे बेवकूफ समझा है क्या? ऐसे कंप्लेंट से मैं नहीं डरता। उसे लेकर आओ और सबक सिखाओ। कौन क्या करेगा मैं देख लूंगा। साली मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दिए। मैं उस लड़की को अंदर लेकर आता हूं, चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, बस तुम मेरा ध्यान रखना। Thank you.
जाओ। लोगों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है दीदी, तुम कुछ करो। मैं नहीं जानती, तुम कुछ भी करो पर वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। जो भी कह रही है वो सच है क्या? अगर तुझे यकीन नहीं है तो अपने हाथ पीछे कर, मैं तुझे बता दूंगी कि तूने कितनी उंगलियां उठाई हैं। दो। पांच। एक। तुझे कैसे पता चल रहा है? क्योंकि तुम्हारे पीछे मेरी बहन है। अरे बाप रे, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है।
तेरी बहन किधर है? तू कितने आराम से बात कर रही है, मेरी तो जान ही निकल रही है। अरे उसकी बहन कितनी भी अच्छी क्यों ना रही हो, पर भूत तो भूत होते हैं, वो किसी के नहीं होते। अरे बाप रे, मुझे क्या लेना देना, मेरी तो आते आते ही रुक गई। हाय। हे, व्हाट अ सरप्राइज। मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ, आ जाओ। ये नई फिल्म की सीडी है, संजय ने आपको देने के लिए कहा। जब कुछ काम होता है तभी चंद्रलेखा के दर्शन होते हैं। अच्छा बोलो क्या लोगी? तेरी जान। मजाक कर रही हूँ। तुम जो मांगो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं आपकी फिल्म में आइटम डांस करना चाहती हूँ। इट्स माई प्लेजर। सो मॉडल्स, गाना होने के बाद तुम जो चाहोगे मैं दे दूंगी, और उसके लिए मैं अपने आप को लकी समझूंगी। बाय। जाना मैं बता कर दूं तो तैयार है हर कोई। जबाई कहते हैं जबाई, ये काल लाल मेरे, ये बॉडी है सलोनी, ये बॉडी है सलोनी। कमर को देखे हर कोई, आंखों में डूबना चाहे हर कोई। पतली कमर को देखे हर कोई, आंखों में डूबना चाहे हर कोई। दारू सा नशा है मेरी आंखों में, जो भी पिए डूब जाए इसके नशे में। बोल दो जो बोल मीठे सारे पड़े मेरे पीछे, झटका दो जो अपनी कमर को मेरा आंचल खींचे। ले ले मेरा हाथ, डरते लोग हजारों में, मैं हूँ एक हसीना कहते लोग हजारों में। लहराऊं जब नागिन सी सब हो जाए दीवाने, मरते सारे मुझ पे हैं सारे ही परवाने।
मैं हाथ जोड़ूं तेरे, सब जोड़े हाथ मेरे, सुन ले जानम अब तो सुन ले जरा, जबानी कहते हैं जबानी, ये काल लाल मेरे, ये बॉडी है सलोनी, ये बॉडी है सलोनी, कहते हैं ये काल लाल, ये बॉडी है, ये बॉडी है सलोनी। हेलो। हेलो चंद्रलेखा। हाँ संजय बोलो। कहाँ हो तुम? मेरी फ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं है, उसे हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। सॉरी संजय, शायद तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। ओके ओके, आई विल कॉल यू लेटर। बाय बाय।
तुमने मुझे क्यों मारा? मुझे कुछ मत करो। मैंने तुम्हें नहीं मारा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो लैरी, मैंने तुम्हें नहीं मारा, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो लैरी, मेरा कोई दोष नहीं है, प्लीज लैरी मुझे पकड़ दो, लैरी मुझे छोड़ दो, प्लीज लैरी प्लीज छोड़ दो मुझे। उसे छोड़कर तूने अच्छा ही किया। जब तक वो जिंदा रहेगा किसी लायक नहीं रहेगा, जिंदगी भर नर्क भोगता रहेगा। ऐसे कमीनों को ऐसे ही सजा मिलनी चाहिए। सारे मरते सारे मुझ पे, मेरे पीछे पड़े सारे, चलता चलता।